हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मॉर्निंग बीच एंड टुडे डे 131। सो गाइस, हो रहे मॉर्निंग के 9 AM और मैं आज भी लेट हूँ और मेरी आँखों में कुछ तो हुआ है जो बहुत पेन हो रहा है। कल शाम से चालू हुआ था। सो गाइस, एनीवे आज का जो शेड्यूल है, मॉर्निंग में 11 बजे मैं जिम जाऊँगा और उसके पहले जो अभी 2 घंटे हैं उसमें मेरा मॉर्निंग रूटीन होगा, लाइक बुक रीडिंग, मेडिटेशन एंड वीडियो एडिटिंग, ऑल दिस थिंग। हाँ, आई शुड फिनिश बिफोर 11 AM। सो गाइस, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर। सो मिलता हूँ फ्रेश होने के बाद विद द माई फर्स्ट मील, ब्लैक कॉफी के साथ। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय। अभी 10 बज चुके हैं और ये है मेरा ब्लैक कॉफी और साथ में मैं बुक रीडिंग करने वाला हूँ, 7 Habits of Highly Effective People। सो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन का एक पार्ट है। तो मेडिटेशन हो चुका है, वीडियो एडिटिंग हो चुकी है और अभी मैं ये 20-30 मिनट रीड करके फिर मैं सीधा मिलता हूँ इन द जिम। एंड प्री वर्कआउट में मैं ले रहा हूँ सिर्फ 1 scoop of प्रोटीन। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। गाइस, 11 बज चुके हैं और ये मैं प्री वर्कआउट ले रहा हूँ। बारिश अभी तक हो रही है तो मैं जिम नहीं पहुंच पा रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ बारिश थोड़ा कम हो तो मैं जाऊँ। बट बारिश धीरे धीरे तेजी होती जा रही है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। जिम में मिलता हूँ, देखता हूँ कितने टाइम के बाद बारिश कम होती है। सो गाइस, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं वेट कर रहा हूँ बारिश कम हो तो जिम जाऊँ। तब तक मैं अपना कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने डिसाइड किया है कि जिम में इडली में जाऊँगा क्योंकि बारिश हो रहा है, बंदी नहीं हो रहा है, तो मैं अभी बनाना पीनट बटर सैंडविच खा रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड कीप वॉचिंग। अभी सीधा होगा लंच मेरा, होगा जो 1:30 खा रहा है। बारिश कम हुआ है तो मैं फटाफट जिम निकल लेता हूँ। आज है मेरा बैक एंड बाइसेप वर्कआउट। स्टे ट्यून्ड की कोचिंग, मिलता हूँ सीधा जिम में। बाय बाय। सो गाइस, आ गया हूँ मैं जिम में हूँ और आज है मेरा बैक एंड बाइसेप का वर्कआउट। तो 5-5 सेट लगाने हैं, ये एक एक वेरिएशन के एंड 12-15 रिपीटेशन। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। Thank you.
जिम हो गया है ख़त्म, और जिम के सामने ही है हेल्दी डाइट जहाँ से मेरा लंच होता है, तो मैं लंच यहीं पे करके निकलूँगा क्योंकि बारिश हो रहा है। फिर कोई डिलीवरी बॉय आएगा बारिश में, मैं बोला मैं यहीं खा के फिर निकलता हूँ। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग, मिलता हूँ सीधा घर पर। जस्ट मैं देखते हुए घर पर पहुँचा, मिलते हैं सीधा। लंच तो हो गया है जिम के बाद ही, तो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग, मिलता हूँ नंबर 3 के साथ। सो गाइस, बज रहे हैं अभी 4:30। लंच के बाद मैं मील ले रहा हूँ 75 ग्राम ओट्स जो मैं भिगो के रखा हूँ, और इसमें साथ में है 200 ml मिल्क। बहुत टाइम के बाद मिल्क ऐड कर रहा हूँ, एंड यस 1 scoop whey protein मैं पोस्ट वर्कआउट में लेके गया था, एंड 1 scoop whey protein मैं अभी यूज करने वाला हूँ। इसमें डाल दें गाइस, ये मेरा मील नंबर 3। मील नंबर 4 होगा मेरा अभी 7:30। सेम मील है, अभी मैं वापस इसको भिगो के रखूंगा। सो गाइस, आई वॉज स्लीपिंग एंड बिकॉज my eyes getting hurt, look at this, you can see, I don't know why is this happening, it's hurting since yesterday I was in the class, so anyway, now time to for have let's black coffee and stay tuned.